हाँ जी सर, तैयारी करके ले जैकेट जुकेट क्यों पहन के आए? मैं कैसे घूमने निकले? ये वहाँ चलते हैं ऊपर साइड ना, चलो फिर। सो हे व्हाट अप यूट्यूब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। राइट नाउ चौरे ने मेरे को ज्वाइन किया है और हम ऊपर साइड जा रहे हैं। पावर प्लांट्स वगैरह बने हुए हैं तो ऊपर रास्ता बनाया हुआ है, पहाड़ों को खोद खोद के रास्ता बनाया हुआ है। ऊपर ऊपर साइड एक वैली आती है बहुत प्यारी सी, वहाँ से व्यू वगैरह बहुत अच्छा है। एक बार मैंने एक्सप्लोर किया था वहाँ पे, बहुत टाइम पहले गया हूँ मैं। सो आज बाइक के साथ जा रहा हूँ, पहले तो कार लेके गया था मैं जब मैं पिछली बार गया था। सो इस बार हम बाइक्स पे जा रहे हैं। सो बस यार मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ एंड उस पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आए हैं मेरे को। इससे पहले यार मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊँ, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखा दो। एंड तुम्हारे इस स्टार्टिंग से ना, अगर आप स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे, ऐड टू स्टोरी वगैरह करके तो पब्लिश कर दोगे, जो मेरे को स्टार्टिंग में बूस्ट मिलेगा ना, बस वही चाहिए मेरे को। मेरा चैनल का एल्गोरिथम ठीक हो जाएगा एकदम से, फिर ऑलरेडी वो यूट्यूब खुद रेकमेंड करेगा, खुद बूस्ट दे देता है। बस मेरे को स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट चाहिए। ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो दिल से सपोर्ट करो। अगर दिल से तुम मेरे को फॉलो करते हो तो दिल से सपोर्ट भी करो, बस यही है, इतना ही बोलना चाहूँगा। वाइब देख ही सकते हैं आप कितना मज़ा आ रहा है हमें, बस यही चाहिए होता लाइफ में यार, मज़ा आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। ये बॉय, ये लौंडा आज पूरे जोश में है। एक बार तो देख के आया था ना मैं ऊपर साइड, बट यार काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सी क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे, क्या क्या नहीं आए हैं। पिछली बार तो मैं आया था तब यहाँ पे रोड भी नहीं बना था, अब तो रोड भी बन चुका है। ऊपर तक बन गया हो तो ज़्यादा मस्त है, क्योंकि वो RC पे तुम्हें तो पता है यार ऑफ रोड वगैरह होता नहीं है, उसके पास तो ड्यूक है, उसको तो काफ़ी आसानी रहेगी। शौर्य भाई को प्रॉब्लम मेरे को आती है, RC वालों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है यार हर जगह, कभी इनके शॉकर्स उड़ जाते हैं, कभी इनका कुछ हो जाता है, कभी हम थक जाते हैं। और व्यू देखो कितना प्यारा है यार, सीनरी बहुत अच्छी है यहाँ से। मैंने सोचा जा ही रहे हैं तो ब्लॉग भी बना ही लेते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह में हम काफ़ी आते रहते हैं। चलो यहाँ से शॉप से हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान वगैरह लिया, ऊपर जाके बैठते हैं। वैसे तो भैया बोल रहे हैं ऊपर तक रास्ता कहीं भी ख़त्म नहीं होता है, सो लेट्स सी जहाँ तक जा पाएंगे हम वहाँ तक जाएंगे। टाइम की कमी मेरे को भी नहीं, शौर्य भाई को भी नहीं है। सो लेट्स सी लेट्स गो, पूरी एनर्जी के साथ जा रहे हैं हम। आ जाओ भाई, शौर्य को एक्चुअल में रास्ता पता नहीं है तो मेरे को आगे रख रहा है वो। मैं ब्लॉग्स में सबको आगे रखता हूँ ना मैक्सिमम, क्योंकि वीडियो में आते हुए सब बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं सबको आगे रखता हूँ। बट इस बार शौर्य भाई को रास्ता नहीं पता है। एंड लैंडस्केप आप देख ही सकते हैं कैसा है, क्या सुंदर लग रहा है यार, क्या सुंदर एरिया है यार। यहाँ पे ना एक तो टर्न्स काटने में डर सा लग रहा है, ये जो कॉन्क्रीट वाले रोड होते हैं ना इनमें थोड़ा वो बजरी सी पड़ी रहती है, थोड़ा फिसलन का काम करती है। बाइक के टायर्स आप जो मर्जी डलवा लो, चाहे आप अपोलो डलवा लो, मेडजलस डलवा लो, या फिर कोई भी महंगे टायर डलवा लो, वो फिसलेंगे फिसलेंगे यहाँ पे। वाह मैन, मेरा तो एरिया देख के मन खुश हो गया। मेरे को तो यार इस जगह में आके ऐसी वाइब आ रही है जैसे मंडी से शॉर्टकट नहीं जाता है मनाली को, पतला सा ऐसा लिंक रोड है वो भी, और वैसे ही व्यू है यहाँ से पूरा, प्राशर के पास एरिया आता है एक। सो मेरे को पूरा वैसे ही मेमोरी आ रही है कि मैं मनाली साइड ही जा रहा हूँ यहाँ से। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये रास्ता, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। क्या पता मेरे को ऊपर जाके कोई अच्छा अमेजिंग लैंडस्केप्स वगैरह देखने के लिए मिल जाए, वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, पावर प्लांट भी हो सकता है ऊपर। जैसे मैंने ठीक एस्टिमेट लगाया था, पावर प्लांट ही है यहाँ पे, जो मेरा राइट हैंड साइड में पूरा पावर प्लांट है, क्योंकि ये रास्ता वहीं गया। एंड एक ऑफ रोड है ये, शौर्य भाई ये रास्ता तो पावर प्लांट को गया मेरे ख्याल से, हाँ ये पावर प्लांट को गया और ये गया होगा ऊपर को ऑफ रोड। मेरी RC है भाई मेरी तो खुल जा रही है भाई, थोड़ी देर बाद ही बाइक टूट जाती। चलो फिर आ जाओ, आज रिस्क ही सही, आप आगे चलो मैं पीछे चलता हूँ, ठीक है। और ये बेबी ये एनर्जी चाहिए, मैं तो खड़े होकर चलाने वाला हूँ यहाँ पे, RC में तो बैठ के चलाने का मज़ा ही नहीं आता, ये हिलती रहती है। ओ फक ओ फक ओ फक ओ फक ओ फक, भाई यहाँ पे बाइक गिर गई ना बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा, स्पेशली मेरा, क्योंकि RC है बॉस, फेयरिंग जाएगी इसकी, फक इट डलवा लेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे बाइक रोकी ना तो एक तो वाइज़र ख़राब है ना मेरा, तो फिर टूट गया वाइज़र। दो मिनट वाइज़र को ठिकाने लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ रोड मार रहे हैं मैं और शौर्य भाई, कैसी वाइब है फिर? मज़ा आ रहा है यार, बस अभी हमने स्टार्ट किया है लैंडस्केप, आप देख सकते हैं इतना प्यारा है। और वैसे हम डिसाइड किए कि वहाँ पे जाके ऊपर बाइक्स वगैरह खड़ी करेंगे, सो ये पूरा रास्ता है यहाँ यहाँ से होके यहाँ, अभी हमने स्टार्टिंग ही की है। मेरा थोड़ा वाइज़र ख़राब हो गया था तो मैंने ये फिक्स किया, तो चलें शौर्य भाई आ जाओ फिर लेट्स रोल। सो बस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हैंड ऑफ आएगा ना मज़ा, कि मेरा वाइज़र बार बार नीचे आ जा रहा था यार और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फिर। सो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, ड्यूक में तो फिर भी ठीक रहता है।
आरसी में होती है प्रॉब्लम बॉस, ये भी अपनी फील है। फैन ऑन हो चुका है आरसी का, काफी प्रेशर में इसका इंजन इस टाइम। ओ भाई चढ़ जा, वाह व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है यार। छोरे भाई की बाइक से पूरी मिट्टी उड़ के मेरे मुंह पे आ रही है। अगर मैं साइड को चलूंगा इस साइड, मेरे को डर लग रहा है चलने में यार, थोड़ा सा बाइक स्किट होगी ना तो मैं गया नीचे फिर। वाह रुको मैं फ़ोन रखता हूँ वहाँ पे। सो यहाँ पे फ़ोन रखा था मैंने शॉर्ट्स लेने के लिए। सो ऐसे शॉर्ट्स लेते हैं हम, कहीं पे जाना है, पूरा व्यू आ रहा है, व्यू देख लो आप कितना प्यारा है। सो कहीं फ़ोन पे ऐसे रख के शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं हम। चलो लेट करो आप। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, बहुत दिनों के बाद ऐसा ऑफ रोड किया है हमने। मैंने तो काफ़ी टाइम के बाद, मैं तो करता ही नहीं ऑफ रोड इतना, क्योंकि मेरे पास वैसे व्हीकल्स नहीं है। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है यहाँ पे। बस यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह मिल जाती ना मोमोज वगैरह की तो काफ़ी मज़ा आता। चाय वगैरह का स्टॉल वगैरह होता है यहाँ के आसपास, तो सीनरी बहुत प्यारी है यार यहाँ की। इतना गोप्रो में जस्टिस नहीं हो पाता ना, और जितने हाइट है वो जस्टिस नहीं हो पा रही गोप्रो के साथ। मेरा थोड़ा गोप्रो की क्वालिटी भी कम है ना यार, तो ट्राई करना वीडियो को हाई क्वालिटी में देखने की, क्योंकि जो मेरा GoPro 6 है वो काफ़ी लो क्वालिटी प्रोड्यूस करता है 1080p में। सो अगर हमारे पास अभी FPV ड्रोन होता ना, वो जस्टिस करता कि हम किस साइड चले हैं अभी और कैसे हम क्लाइम कर रहे हैं इन पहाड़ों में विद आर बाइक्स। वाओ व्हाट अ सीनरी। अभी हम शॉर्ट्स लेने की जगह ढूंढ रहे हैं कि फ़ोन लगाना है। एक पीछे साइड लगा दी हमने फ़ोन इस मोड पर, एंड आगे की साइड ढूंढ रहे हैं। चलो हमारा कैमरा 2 जाते वक्त इसे शॉर्ट रिकॉर्ड होगा। ये हमारा कैमरा 3 आते वक्त इससे शूट होगा। शॉर्ट्स वगैरह लिया भी हमने, सारी जगह कैमरा वगैरह प्लेस किए थे। आई होप यू लाइक इट। क्या बोलते शोरे भाई, मेहनत लगी कि नहीं? बहुत ज्यादा ना। लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज चैनल को, बहुत मेहनत लग रही है। वो लाइन सुनी होगी आपने, अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। वही वाली फील आ रही है मेरे को तो। चलो इस बार ये प्लेस एक्सप्लोर कर ली, ये नरवाना में है पालमपुर साइड में। सो एक लोकेशन आज हमने ये कर ली है, एंड नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे दूसरी लोकेशन का। देखते कुछ खाने वगैरह की शॉप मिलती है कोई तो, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करके रखा है। शोरे भाई चलो आप आगे। अभी शोरे भाई को मैंने आगे रख दिया है, क्योंकि कैमरे में यार कुछ दिखना चाहिए ना, ऐसा अच्छा लगता है कि बाइकर्स चले हों आगे। अभी तो एक बाइकर है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा मैं कि हमारे साथ और भी हों, क्योंकि ऐसे सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह लेने हो तो बहुत अच्छी लगती हैं बाइक्स वगैरह भी सारी, और कंपनी भी होनी चाहिए साथ में, तो काफ़ी मज़ा आता है। इस बार ये वाली प्लेस एक्सप्लोर की है हमने, नेक्स्ट टाइम दूसरी वाली करेंगे, क्योंकि धर्मशाला में कमी नहीं है जगह की। एक पहाड़ किया तुमने एक्सप्लोर, दूसरा करो, तीसरा करो, दे नेवर एंड। सो ट्राई करूंगा मैं, बनाते रहूंगा, बस आप सबका सपोर्ट हुआ, क्योंकि मेरा चैनल बहुत लो चल रहा है यार इस टाइम, डेड ही समझ लो उसको। 500 व्यू से ऊपर मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा पंप दे दोगे चैनल को शेयर वगैरह करके, थोड़ा एल्गोरिदम उसकी इम्प्रूव हो जाएगी एंड रीच भी बढ़ेगी उसके बाद। फिर एक बार रीच बढ़ गई ना चैनल की तो सब कुछ ठीक रहता है यार, फिर उसके बाद चैनल भी चल पड़ेगा, मेरे को मन करेगा वीडियोस डालने का, क्योंकि अब 500 व्यूज़ में तो यार क्या ही बंदे का मन करता है ना, मोटिवेशन मिलती है ऊपर से, जितनी भी मोटिवेशन होती है ना वो सारी कम हो जाती है। सो बस इतना ही है, सपोर्ट कर सकते हो तो करो यार, जितना शेयर कर सकते हो करो, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह पर मेरे को टैग करो। भैया मैगी बन जाएगी, सूप वाली बनाओ अच्छी सी, टेस्टी बन जाए। दुकान आपने बड़ी अच्छी बनाई है।
बढ़िया तो है, इतना अच्छा व्यू और क्या चाहिए। सुबह सब मैगी वगैरह खाते हैं यहाँ से, व्यू आप देख लो क्या प्यारा है। और अंकल की छोटी सी प्यारी सी दुकान है ये। वाह यार अंकल ने मैगी भी बना दी। अंकल दो चाय भी कर दो यार, अंकल ने मैगी बहुत अच्छी बनाई है। सिर्फ इसका प्राइस 20 रुपये लगाया अंकल ने। वो भी पहाड़ों पे, व्यू भी देख लो क्या प्यारा है, सामने बाइक वगैरह खड़ी है। सो बस मैगी वगैरह शौर्य भाई लेके जाना आपने। नहीं नहीं अंकल ये भी रख लो आप ना। ये खाया नहीं हमने। चलो बहुत अच्छी मैगी बनाई थी आपने। नहीं नहीं इसको रखो आप, अच्छी मैगी बनाई थी आपने, ठीक है आते हैं हम नेक्स्ट टाइम भी आपके पास। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा एंड ऐसे ही ब्लॉग्स में लेके आता रहूँगा। दिस इज योर कैप्टन बाइक राइवल्स साइनिंग ऑफ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड एलकेबी गाइस पोस्टेड। ओह ये